नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जस्ट भक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन, वो भी बिल्कुल हिंदी में। दोस्तों आज बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर सर्कल बेस्ड ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकल के आई है। तो दोस्तों यहां पर 3,850 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट की डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना, नहीं तो आप बेहद ही ज़रूरी जानकारी मिस कर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 27 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लीकेशन की डेट यहाँ पर दी गई है। दोस्तों इस पोस्ट को आप इस डेट के बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस वेबसाइट से आप यहाँ पर सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रह सकते हो। और दोस्तों यदि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी निकल के आई है। तो दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सर्कल वाइज यहाँ पर अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद और जबलपुर, महाराष्ट्र, इन सर्कल के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल के आई है। और दोस्तों जो स्टेट है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी निकल के आई है। जैसे कि अहमदाबाद के लिए यहाँ पर 750 वैकेंसी है, बेंगलुरु के लिए यहाँ पर 750 वैकेंसी है और भोपाल के लिए यहाँ पर 296 और 104 वैकेंसी निकल के आई है। और दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, महाराष्ट्र में भी यहाँ पर 517 वैकेंसी निकल के आई है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 3,850 वैकेंसी निकल के आई है। और दोस्तों आप इस फोटो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दोस्तों आप यहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी किसी भी स्टेट के। और दोस्तों जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उन्हें यहाँ पर इन सर्कल पर नौकरी दी जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों आपको जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, वह है आपका ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज एज सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों यहाँ पर आपका रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कम्प्लीट रहना जरूरी है और तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आपके लिए जो यहाँ पर एज लिमिट रहने वाला है वो है नॉट अबाउट 30 ईयर्स। दोस्तों यहाँ पर 30 ईयर्स तक के ही कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और उसके ज़्यादा आयु के कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर नहीं सकते, वो भी 1 अगस्त 2020 तक। दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनके लिए यहाँ पर 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रिमिनल इनके लिए यहाँ पर 3 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज उसमें भी SC ST के लिए 15 ईयर्स है, OBC के लिए 13 ईयर्स है और जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन इनके लिए यहाँ पर 5 रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका किसी भी कमर्शियल बैंक में आपका यहाँ पर मिनिमम दो साल का आपका एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर आपके लोकल लैंग्वेज को चेक करने के लिए आपकी 10th और 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके प्रूफ के लिए, आपके लोकल लैंग्वेज के प्रूफ के लिए यहाँ पर अपलोड करनी है ऑनलाइन अप्लीकेशन करते वक्त। दोस्तों इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जनरल और OBC और EWS कैंडिडेट को 750 रुपीज़ यानी कि 750 रुपये लगने वाले हैं और SC ST PWD को यहाँ पर कोई भी फी नहीं लगने वाली है। और दोस्तों जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका ऑल इंडिया यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाला है। दोस्तों ऑनलाइन अप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों बात कर लेते हैं कॉल लेटर्स की। दोस्तों इस पोस्ट को अप्लाई करने के बाद और आपके सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखने के बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा और वो कॉल लेटर दोस्तों आपको ऑनलाइन ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और वहाँ पर जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तब आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों आपको यहाँ पर पोस्ट के थ्रू कोई भी कॉल लेटर सेंड नहीं किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको इनकी वेबसाइट से जुड़े रहना है और अपडेट्स को लेते रहना है। दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स और इनके प्रूफ्स दोस्तों आपको इंटरव्यू के दिन सबमिट करना है, यानी कि तभी आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। दोस्तों आपका इंटरव्यू के दिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि आपका फोटो एंड थंब इम्प्रेशन वो भी डिजिटल फॉर्मेट में आपका यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा जब आपको इंटरव्यू को बुलाया जाएगा या फिर ज्वाइनिंग के वक्त। और दोस्तों तब आपके हाथों पर एक्सटर्नल मैटर नहीं रहना चाहिए, जैसे कि मेहंदी, इंक, केमिकल वगैरह वगैरह
दोस्तों मैंने जैसे कि बताया आपको, यहाँ पर सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, वो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों आपको आपके डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अप्लाई करते वक्त A4 साइज़ पेपर पर आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट रहने चाहिए और दोस्तों उनकी साइज़ 500 के, जब आप उन्हें स्कैन करोगे तब उसकी साइज़ 500 के बी से यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए और फिर आपको उसे PDF साइज़ में बनाकर अपलोड करना है। दोस्तों आपके फोटोज़ JPEG या फिर JPG या फिर PDF फॉर्मेट में यहाँ पर रहना ज़रूरी है और दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स और फोटो की यहाँ पर क्लियर इमेज रहना ज़रूरी है और दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स पर यहाँ पर कोई भी मिस्टेक्स नहीं रहना चाहिए और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको स्कैन कर ही अपलोड करने हैं। तो दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे पूछ सकते हो या फिर मैं नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप नोटिफिकेशन को भी देख सकते हो आपके रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी इस वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।